एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। जब वह लोग काफी दूर चलकर आ गए और गर्मी भी बहुत हो रही थी, गर्मी के कारण महात्मा जी को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। तब महात्मा जी ने अपने एक शिष्य से बोले, वत्स, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? तभी शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आप वहां पे डुडी के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज इधर उधर करने लगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखा। कुछ दूरी पर उसे एक पानी का स्रोत दिखा। वह जैसे ही उस जलाशय से पानी लेने के लिए गया, तभी उसने देखा कि वहां कई लोग उस जलाशय में कपड़े धो रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे, और फिर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी सवार उस जलाशय को पार कर गया, जिससे कि जलाशय का पानी बहुत ही गंदा हो गया, क्योंकि उससे जलाशय की कीचड़ेच पानी में घुल गई और पानी मैला हो गया। तब उसने सोचा कि इतना गंदा पानी में गुरुजी के लिए कैसे ले जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही चला जाऊं। फिर उसने मन में सोचा कि गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तब उसने कहा कि गुरुजी पूछेंगे तो कह दूंगा कि गुरुजी यहां तो दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य गुरुजी के समीप आया और फिर महात्मा जी ने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि वत्स ले आए पानी। तब उस शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं पानी की तलाश में बहुत दूर तक गया लेकिन मुझे पानी कहीं भी नहीं मिला। महात्मा जी बोले कि कोई बात नहीं वत्स, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। फिर महात्मा जी प्यास से व्याकुल होने लगे। तब उनके दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है। शिष्य बोला कि गुरुजी तब तक आप उस पेड डैच के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज में निकल पड़ा। काफी देर पानी की खोज के बाद उसे वही जलाशय दिखा जहां पहला शिष्य पानी की खोज में गया था। तब उसने भी वही सब देखा जो कि पहले शिष्य ने देखा था, कि लोग वहां कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, जिससे कि पानी काफी मैला हो गया था। फिर वह शिष्य कुछ सोचकर कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर वह पानी एक पात्र में लेकर गुरुजी के समीप आकर बोला कि यह लीजिए गुरुजी पानी। तब गुरुजी ने पानी पिया और फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, फिर ये मेरे लिए कहां से पानी ले आया? तब शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी मुझे एक जलाशय मिला था लेकिन वहां का पानी बहुत ही गंदा था, वह गंदा पानी मैं आपके लिए कैसे लाता? तब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुम पानी कहां से लाए हो? उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं उसी जलाशय से पानी लाया हूं। तब महात्मा जी बोले कि यह पानी तो गंदा नहीं है, अगर तुम उसी जलाशय से पानी लाए हो। तब उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, क्योंकि जब सब वहां से कपड़े धोकर और स्नान करके चले गए, तब मैंने पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने का इंतजार किया और जब पानी साफ हो गया तब मैं पानी लेकर आ गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता पाने के लिए हमें संयम, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमारे कर्मों को शांत मन से और पूरी संवेदनशीलता के साथ करने से हम सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं।